good morning students in last lecture we had completed up to activity number 7 now let's learn further activity number 8 paintings are art poems are art plays are also art let's write a play about the crayons in the poem you notice that the colors stopped at the beginning now notice that after the poet took the crayons home, they watched while the poet colored. The poet does not tell us what they said while he colored. But this is a very talkative box of crayons. Imagine what they said while the poet met the sky and sun and clouds and all the rest. Write a play that tells. वॉट द क्रेन सेट व पोएट कलर्ड हमें यहाँ पे जब पोएट कलर कर रहा था तब क्रेन्स क्या बातें कर रहे थे वो इमेजिन करना है और यहाँ पे लिखना है द्रेन बॉक्स दैट कैप टॉकिंग ब्लू सेलो रेड यू आर माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विथ यू लू ने कहा कि हेलो रेड तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ रेड सेज़ सीक्रेट टू नो दैट रेड ने कहा कि मेरे साथ सीक्रेट शेयर करना चाहते हो मैं वो जानने के लिए उत्सुक हूँ ब्लू सेज़

बट डू यू थिंक वी कैन गेट अलोंग विदर ब्लू ने कहा कि हम सब क्रेन साथ में रहते हैं है कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं रेड सेड आई हैव ने इन दिस डिरेक्शन रेड ने कहा कि हाँ मैंने इसके बारे में कभी नहीं

फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ वंडरफुल मॉडर्न आर्ट फोटोग्राफी है वो एक अद्भुत मॉडर्न आर्ट है यूजिंग वैरायटी ऑफ कैमरास लाइक डिजिटल एसएलआर एंड मोबाइल कैमरास। फोटोग्राफी करने के लिए अलग अलग कैमरास के यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं डिजिटल एसएलआर और मोबाइल कैमरास? फ़ोटोग्राफर्स कैप्चर इमेजेस एंड अरेंज एग्ज़िबिशन फ़ोटोग्राफर्स होते हैं वो इमेजेस कैप्चर करते हैं और उसका एग्जिबिशन अरेंज करते हैं पार्टिसिपेट इन फ़ोटोग्राफी कंपटीशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल सब फ़ोटोग्राफर्स होते हैं वो फोटोग्राफी कंपटीशन जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होती है उसमें पार्टिसपेट करते हैं एज वेल एज अपलोड दैम ऑन द वेबसाइट्स फ़ॉर वरियस पर्पजेज और वो लोग वो फ़ोटोग्राफ्स को अलग अलग वेबसाइट्स जो अलग अलग पर्पजेज़ के लिए बनी होती है उसमें अपलोड भी करते हैं आउट ऑफ मैनी टाइप ऑफ फोटोग्राफी वन पॉपुलर टाइप इज़ लैंडस्केप फोटोग्राफी सभी जो फ़ोटोग्राफी होती है उसमें से एक पॉपुलर फोटोग्राफी है जो है लैंडस्केप फोटोग्राफी हियर आर टिप्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी यहाँ पे लैंडस्केप फोटोग्राफी की थोड़ी सी टिप्स दी गई है फर्स्ट वन ब्यूटिफुल लैंडस्केप फोटोज आर ऑफन डिफाइंड बाई अ क्वालिटी ऑफ लाइट देवे टेकन इन ब्यूटिफुल लैंडस्केप फोटोज में लाइट की क्वालिटी डिफाइन की जाती है As a consequence, photographers tend to shoot early in the morning or during late afternoons. Usually, photographers photoshoot karna kappasan karte suba jaldi, or late afternoon mein. When the sun is lower, less contrasty, and often displays a subtle color palette of moody hues. फॉर दिस रीजन द आर्स आफ्टर डॉन एंड बिफोर डस्क आर नोन एज मैजिक आर्स ये रीजन की वजह से जो डॉन के बाद की और डस्क के पहले की जो आर्स होती है उसको मैजिक आवर्स बोला जाता है इफ राइजिंग एट डॉन डजेंट सी टेल विथ योर आइडिया ऑफ रिलैक्सिंग वीक एंड डोंट पैनिक देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेट लैंडस्केप अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द डे अगर आप सुबह का टाइम मिस कर देते हो तो दूसरी सुबह का वे नहीं करना होता है पूरे दिन में भी कई सारे ग्रेट लैंडस्केप फोटोज खींचने की अपॉर्चुनिटी मिलती है सेकेंड वन एनी लैंडस्केप फोटोग्राफर्स डिजायर एन इमेज दैट अपियर्स शार्प थ्रू आउट द सीन सो दैट एलिमेंट्स ऑफ

जो ब्राइटनेस का डिफरेंस होता है स्काई और लैंड के बीच में वो वैल द ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ परस्यूविंग डिटेल अक्रॉस दिस टर्नल रेंज अ डिजिटल सेंसर इजन कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग इट ह्यूमन आईज है वो कैपेबल होती है जो भी वो रेंज होती है उसको परस्यू करने के लिए बट जो डिजिटल सेंसर है वो उतना कैपेबल नहीं होता है फोर्थ वन ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी इज नॉट नेसेसरीली अबाउट हंटिंग आउट द मोस्ट पिक्चर्स क्यू सीन इन द मोस्ट वंडरफुल लाइट एंड एट द मोस्ट परफेक्ट टाइम ऑफ डे ग्रेट लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें सबसे अच्छा सीन हो अच्छी सी लाइट हो और दिन का परफेक्ट टाइम हो इन डीट देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ड्स लैंडस्केप दैट आर लेस ग्लैमरस सच एज द इफेक्ट्स ऑफ हैवी फार्मिंग वास्तव में वर्ड लैंडस्केप का हेतु होता है कि जो भी फोटोग्राफ हो लेस ग्लैमरस हो जैसे कि हैवी फार्मिंग रैपिडली एक्सपांडिंग सबर्ब्स एंड Traveling industrial wastelands that can make a poignant subject for the concert photographer. Ye sabhi bhi world landscape photography ke aspects hote hai. Take a look at the effects of men on the landscape near your home and use them as photographic subjects. Now, given here are some landscapes compare their elements using the points given this is the first landscape and this is the second landscape here given three columns element landscape 1 and landscape 2 so elements may have time light location and depth of field so landscape 1 may have close to sunset or landscape 2 may have morning at about 11 o'clock लाइट कैसी है दोनों में लैंडस्केप वन में है क्लाउडी लाइट और लैंडस्केप टू में है ब्राइट सनलाइट लोकेशन कैसा है फर्स्ट लैंडस्केप में है एरिया और लैंडस्केप टू में है प्लेन सी लेवल डेप्थ ऑफ फील्ड है लैंडस्केप वन में लो कंट्रास्ट एंड लैंडस्केप टू में है हाई और शार्प What according to you is a good photograph? Answer is according to me a good photograph is the one in which the following points have been taken into consideration while clicking it. मेरे हिसाब से गुड फोटोग्राफ वो होता है जिसमें नीचे दिए गए पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है सो फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट सेव टू कम्प्लीट एक्टिविटी नंबर एट एंड टेन इन टेक्स बुक और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर वन टेक्सट बुक में कंप्लीट होता है